स्वादिष्ट और कितनी पौष्टिक से भरपूर होता है। तो बस मैं अपने आज चैनल में वही उड़द दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ और सबके घर में अलग अलग तरीके से उड़द दाल की रेसिपी बनती है। और मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बहुत ही इजी और सिंपल और पौष्टिक तरीके से उड़द दाल की खिचड़ी की रेसिपी आपको दिखाऊंगी, जिसे आप बस एक बार देखेंगे तो हर बार बना के खाना चाहेंगे। इतना टेस्टी और मैं इतना इजी तरीके से आपको ये रेसिपी दिखाऊंगी और बच्चे बड़े सभी को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देर न करते हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोज़ लेकर आएँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रेंड्स मसाले लिए हैं उड़द दाल की खिचड़ी बनाने के लिए। यहाँ मैंने अमचूर पाउडर लिया है, यहाँ मैंने हींग लिया है, ये मैंने लाल मिर्च लिया है, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये मैंने दो हरी मिर्च ले लिया है, ये अदरक लिया है जिसमें मैंने कूट लिया है आधा टुकड़ा है, ये मैंने जीरा लिया है साबुत जीरा है, और ये मैंने तेजपत्ता ले लिया है, तीन तेजपत्ता लिया है, और यहाँ गरम मसाला है। तो अब हमको और यहाँ मैंने देखिए स्वाद के अनुसार नमक लिया है। तो उड़द दाल की रेसिपी बनाने के मसाले को जानने के बाद अब हम कुछ वेजीज डाल लेते हैं। मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ मैंने मटर लिया है, आपको जितना मन है एक कप के लगभग मटर है मेरा, और यहाँ गोभी मैंने लिया है, आधा गोभी को मैंने काटा है, और यहाँ मैंने एक टमाटर भी ले लिया, और मैंने यहाँ दो मीडियम साइज की आलू को काट लिया है, और यहाँ मैंने दो प्याज मीडियम साइज के काटा है, और यहाँ कुछ लहसुन की कलियों को छील के अलग कर लिया, और यहाँ मैंने धनिया पत्ती ली है। आपको फ्रेंड्स वेजिटेबल जो भी मन है आप वो ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजीज इस समय होंगी आप वो डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। पर अगर आप मटर गोभी डालेंगे तो उड़द दाल की जो खिचड़ी बनेगी ना वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब चलिए सबसे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, यहाँ मैंने चावल देखे लिया है, ज़्यादा पतला चावल लेंगे तो उड़द दाल की जो रेसिपी होगी बहुत ही टेस्टी लगती है। पर अब किसी भी चावल जो आपके साथ होगा आपके पास उससे भी आप बना सकते हैं। पर ये हमारा चावल जो है थोड़ा पतला है, आप भी पतला वाला चावल लीजिएगा, अगर है नहीं तो ठीक है। यहाँ मैंने चावल को 500 ग्राम चावल ले लिया है, और यहाँ मैंने 200 ग्राम करीब उड़द दाल लिया छिलके वाली। बस आपको उड़द दाल की रेसिपी बनाने के लिए इतनी ही चीज़ें चाहिए, इससे हमारी जो उड़द दाल की जो खिचड़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बन के तैयार होगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, इसकी विधि कैसे बनेगी है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए तो यहाँ मैंने गैस ऑन करके कुकर चढ़ा के इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं, टेस्ट वैसे ही रहेगा, रिफाइन ऑयल या आपका शुद्ध घी है तो वो भी आप डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ हमने एक छोटे स्पून पंचफोरन डाल दिया है, अब ये चटकेंगे तभी हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने हींग भी डाल दिया है एक पिंच करीब। तो फ्रेंड्स ये अब चटकने लगे हैं, तो मैंने इसमें तेजपत्ता डाल दिया, मैंने प्याज और लहसुन को भी डाल दिया है। अब इन दोनों को हम गोल्डन ब्राउन होने के बाद बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स प्याज और लहसुन में गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हमने आलू को भी इसमें डाल दिया है, ऑप्शनल है आलू, आप डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें गोभी भी डाल दिया है और मटर को भी इसमें मैंने डाल दिया है, जो भी वेजिटेबल है अब इस पैन में सबको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स में सब्जी डालने के बाद हमें इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और यहाँ हमने आधी टुकड़ी अदरक ही डाल दिया है, और यहाँ हमने हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है, और यहाँ हमने एक छोटी चम्मच चिली पेस्ट भी डाल दिया है, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इनको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ उड़द दाल की मसालेदार खिचड़ी की रेसिपी बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने मसालों को डाला है, आप सादी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जियों को डालने के बाद यहाँ मैंने एक टेबल स्पून के धनिया पाउडर ले लिया है, और आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है, और मैंने एक छोटी से थोड़ी सी पानी से मैंने यहाँ मिक्स करके इनका घोल बना लिया है। घोल बना के डालने से ना हर चीज़ बहुत ही बढ़िया लगने लगता है। फ्रेंड्स आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे इस तरीके से घोल बना के डालिए, बहुत ही टेस्टी बना जाता है सब्जियों में। तो चलिए अब हम इन्हें भी डाल देते हैं। दो मिनट हमारे सब्जियों को मैंने चला लिया है, तो अब हम इनमें घोल को डाल दिए हैं, मसाले वाले घोल को डाल दिए, अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे, हमारे मसाले और सब्जियाँ बहुत बढ़िया से भुन जाएँ, तो अब हम इन्हें छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ हमारे जो मसाले और सब्जियाँ थी वो अभी फ्राई हो रही हैं, भुन रही है, तो यहाँ मैंने चावल और मैंने यहाँ उड़द की दाल को मिक्स करके यहाँ मैंने बहुत ही बढ़िया पानी से दो तीन बार धो लिया है, देखिए कितना बढ़िया ये बढ़िया से धुला गया। चलिए अब हम इन्हें डालते हैं। तो फ्रेंड्स दो से तीन मिनट अपने मसालों और सब्जियों को भुनने के बाद अब हम इनमें अपनी दाल और चावल को ऐड कर देते हैं, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं सब्जियाँ मसाले में। अब हम इनमें टमाटर को ऐड कर देते हैं, ये भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अब हम इनमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और यहाँ मैंने 5 से 6 कप पानी को डाल दिया है, आप अगर पतला खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी ही ज़्यादा डाल सकते हैं, तो बस 5 से 6 कप काफ़ी है। अगर आप मेरे ही स्टाइल में अगर खिचड़ी बना लें तो बस 5 से 6 कप ही ऐड करें।
तो पानी डालने के बाद यहाँ मैंने एक टेबल स्पून नारियल पाउडर डाल दिया है, अपनी वो कलस भी ऐड कर सकते हैं। इसी समय फ्रेंड्स डालने से ना हमारी जो उड़द की दाल की खिचड़ी है मसालेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी और चटपटी भी बहुत लगेगी। यहाँ मैंने कुकर को बंद कर दिया है, एक सीटी आने तक हम इन्हें बंद करके रख दे, एक सीटी ही चाहिए बस हमारी खिचड़ी को पकने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे कुकर ने एक सीटी लगा दी थी, तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारी उड़द दाल की खिचड़ी रेडी है। भाप की वजह से आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार है। अब हम इनमें छौंका लगाएंगे, तो अभी इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमने छौंका के लिए सरसों का तेल ले लिया है और जीरा ले लिया है एक टेबल स्पून और हींग ले लिया है, इनको हम चटकने देंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज भी ले लिया है, प्याज का छौंका बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ी में, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ फ्रेंड्स अगर आप कर सकता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने छौंका लगा दिया, अब हम यहाँ ऊपर से धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। बस हमारी उड़द दाल की खिचड़ी मसालेदार बनके तैयार है, अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा टेस्टी मसालेदार चटपटी उड़द दाल की रेसिपी बनके तैयार है, उड़द दाल की खिचड़ी की रेसिपी बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही पौष्टिक। इसमें मैंने खूब सारी वेजीज ऐड किया है, इससे बहुत ही हेल्दी हो गई है और उड़द की दाल तो अपने में ही हेल्दी होती है। तो बस हमारा मकर संक्रांति स्पेशल थाली बनके रेडी है। और यहाँ मैंने चोखा ले लिया है, यहाँ मैंने प्याज ले लिया है और यहाँ मैंने मिर्ची ले ली है। आपको फ्रेंड्स आप दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप सलाद के साथ भी ले सकते हैं, आप चोखे के साथ भी खा सकते हैं, आप पापड़ भी ले लीजिए तो, और अचार भी के साथ खा सकते हैं। आपको बस जिसके साथ मन करे आप उड़द दाल की खिचड़ी खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपका बस एक बार खाएंगे हर बार खाने का मन करेगा। और यहाँ कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास है। तो बस आपको हमारी याद की है उड़द दाल की खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप भी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ भी दीजिए ताकि वो भी इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई रेसिपी, तब तक के लिए धन्यवाद।